डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं, कितनी दिक्कत है उसको। एक इंजेक्शन लगाया और दवा दे दी, उसके बाद बोल दिया कि बिठाओ आराम से, बिठाया। उसके बाद मैंने थोड़ी उससे दिक्कत लगी, मैंने दोबारा बोला तो बोले आराम से बैठ जाओ, तो बाद में बैठ गए हम। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने कंप्यूटर से फिर से बोला तो कंप्यूटर बोला डॉक्टर यानी अभी आप थोड़ी देर रुको या फिर दूसरी जगह कहीं दिखा। उसके बाद क्या हुआ बैठ? उसके बाद डॉक्टर भी नहीं थे, कंप्यूटर भी भाग गए यहाँ से। हम थोड़ी जब बच्चा ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम दूसरी जगह दिखाने लगे, तो वहाँ किसी डॉक्टर ने मना कर दिया, वहीं नहीं। फिर क्या हुआ, फिर खत्म हो गया बच्चा आपका? हाँ, वो खत्म ही हो गया था। तो क्या मांग करते हैं आप? मैं एकदम न्यायिक जांच चाहता हूँ। हाँ, डॉक्टर राजेश सक्सेना के वहाँ एक बच्चा इलाज के लिए भर्ती हुआ था, वो निदौली कला का लड़का था, 5-6 वर्ष उसकी करीब उम्र थी, और आज दोपहर में इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा इसके संबंध में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी गई है, थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और डॉक्टर यदि इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब, यहाँ ताला भी तोड़ा गया है, क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर ताला लगा भाग गया था, ऊपर बच्चे डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई। संज्ञान में आया है कि डॉक्टर ताला लगा के भाग गया था, और ऊपर कुछ मरीज जो है वो गंभीर हालत में थे और वहाँ बंधक बने हुए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर